क्यों इंतजार इतना लंबा इंतजार क्यों कानून बनते हैं पालन नहीं होता है सजा का प्रावधान है पर सजा अगर जल्दी न मिले तो किस अपराधी के मन में खौफ आएगा क्यों आज पूरा देश ये गलत मानते हुए भी कि पुलिस कस्टडी में मार दिए गए थे लेकिन उसके बावजूद जश्न की तस्वीरें हमने देखी ये एक देश की छटपटाहट दिखा रही है रीता जी आज का के दिन केवल भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही दिल दहलाने वाला दिन था जब निर्भया की अध्यांत हुआ उनकी डेथ हुई तो मैं समझती हूँ कोई ऐसी महिला नहीं है किसी भी वर्ग की हो किसी भी जात की हो किसी भी समुदाय की हो जिसके आंख में आंसू नहीं रहा होगा और जब ये बोल रही थी आशा जी तो मुझे भी याद आ रहा था कि मैं पचास साल से महिला आंदोलनों से जुड़ी हुई हूँ वास्तव में मेरी उत्पत्ति ही महिला आंदोलन से हुई है छोटी सी बच्ची थी तब से सुन रही हूँ महिला सुरक्षित हैं रेप हो जाता है घरेलू हिंसा हो जाती है मोलेस्टेशन हो जाता है स्टॉकिंग हो जाती है तो मैं तो ये निर्भया का मामला इतना लंबा खींचा ये दर्दनाक है होना नहीं चाहिए और जैसे आपने ठीक कहा सवा लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है और उसमें अब आज तक तो कुल पाँच हज़ार या ऑड सजाओं में सज़ा हुई है बाकी केस केसेस कोर्ट में हैं और इतना लंबा खिंच जाता है हर क्राइम कोई भी क्राइम इतना लंबा खिंच जाता है कि जुडिशियल सिस्टम पे की निष्पक्षता पे तो यकीन है पर न्याय जल्दी मिलेगा इस पर यकीन नहीं रह गया है तो जैसे सरकार अब कह रही है कि 1100 सौ कोर्ट्स हम लगभग खड़े करेंगे फास्ट ट्रैक महिला आंदोलन की हम सब महिलाओं की मांग है इसमें कोई राजनीति नहीं लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि जुडिशियल प्रोसेस जितना तेज़ होगा जितनी सख्त सजाएं मिलेगी उतना ज़्यादा वो, वो लोगों को प्रिवेंट करेगा रोकेगा क्राइम करने से लेकिन क्राइम पनपता कहाँ से है जब हम अपने घर के पुरुषों को घर की महिलाओं को मारते हुए देखते हैं पीटते हुए देखते हैं उस बच्चा जब लड़का देखता है कि महिला जो है वो वीकर सेक्स है ये पीटी जा सकती है जब घर के अंदर उसका रेप होता है और घर वाले कहते हैं छुपा लो मत बताओ किसी को जिस समय लड़की स्कूल जाती है उसको ठीक से एजुकेट नहीं किया जाता है वो ये नहीं जानती कि उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो कहाँ जाए किससे बोले तो पूरे सिस्टम को ही स्ट्रेंथन करना होगा मैं तो आपसे बहुत स्पष्टता से कह रही मेरा अनुभव ये है कि जब तक सरकार और समाज सब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा हम दोषारोपण बंद करके वास्तव में इसका हल निकालने के ओर बहुत सक्रियता से नहीं बढ़ेंगे ऐसा क्यों हो कि जब कोई घटना हो पूरा देश खड़ा हो तब हम लोग सुने तब हम चर्चा करें तब हमारे ऐसे फोरम्स बने जब तब डिबेट हो पार्लियामेंट में एज अ आई कैन से मैं एक महिला के तौर पे आपसे कहती हूँ उद्वेलना का विषय है लेकिन ये भी बात सच है कि हाल में इधर 2019 में जितने कानून बने कानून बना था जब निर्भया हुई थी सख्त कानून बने उस समय भी कमीशन बैठा उसने रिकमेंड किया पार्लियामेंट ने कानून बनाया 2015 से 19 के बीच बहुत सख्ती लाई गई है पॉक्सो एक्ट को बहुत मजबूत किया गया है हम लोगों ने अभी जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ऊपर बहुत सारे के सरोगेसी लॉ भी लाए हैं हर तरह के क्राइम को रोकने की कोशिश की जा रही है पर मैं एक ही बात कहूँगी क्या सुरक्षा महिला सुरक्षा सिर्फ शारीरिक सुरक्षा से ही संबंधित है इसके और भी तो कंपोनेंट्स हैं आर्थिक सुरक्षा होगी तो शारीरिक सुरक्षा आएगी अगर महिला के पास सामाजिक सुरक्षा होगी तो समाज में उसका स्तर बेहतर होगा उसकी उसकी शारीरिक सुरक्षा आएगी शारीरिक सुरक्षा हो सामाजिक सुरक्षा हो आर्थिक सुरक्षा हो जब तक तीनों सुरक्षाएं नहीं आएंगी और जब तक समाज महिला के दर्द को समझकर खड़ा नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कितनी धाराएं एक दर्जन सुष्मिता जी जानती हैं कि बहुत बहुत हैं इतनी धाराएं चौदह पंद्रह सोलह सैंतीस चौंतीस धाराएं कितनी है कल मैं देख रही थी हर धारा में हर तरीके की सुरक्षा की बात है पर मिल नहीं पाती है तो ये काम कठिन है लेकिन बहुत बहुत आवश्यक है पूरी दुनिया इस पे बात करती है सीढ़ा हुआ सब ने साइन किया विश्व स्तर पर चर्चाएं होती हैं अफ्रीकन वेमेन सारा वेमेन अमेरिका में ले लीजिए ग्रेट ब्रिटेन में ले लीजिए सबसे विकसित राष्ट्रों में ले लीजिए लड़की को रेप करो मार दो तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और निर्भया हम लोगों की आत्मा में बैठी हुई हैं और अभी जो हैदराबाद टेकी का हुआ वो भी बहुत दर्दनाक हुआ लेकिन उसके बाद जो हुआ जिस पर अब फिर चर्चा शुरू हो रही है मैं ये समझती हूँ कि न्याय प्रक्रिया तेज़ होगी जो सज़ा जनता चाहती है कि एक अपराधी को मिले कानूनी तौर पर मिले वो दी जानी चाहिए